हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे रेन लिली के बल्ब्स लगाने के बारे में बात करूंगी। देखिए, मैं लगा रही हूं तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो देखिए, आज हम मिलके लगाएंगे रेन लिली के बल्ब्स। तो रेन लिली भी दो तरह की होती है, एक तो देसी वाली होती है बड़ी बड़ी, तो आज मैं वो जो छोटी वाली आती है जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं वो लगाने जा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। विंटर गार्डन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने निकाल के रख दिए थे। कई लोग इनको लगा भी रहने देते हैं गमले में, उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं और नंबर्स में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये बल्ब जब तक गर्मी का मौसम आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी खरीद के भी ला सकते हैं। लेकिन मैंने इनको निकाल के रख दिया था क्योंकि मुझे जगह की प्रॉब्लम थी, मुझे गमला चाहिए था। तो चलिए फिर अब इनको लगाते हैं। इनकी मिट्टी कैसे तैयार की मैंने वो बताती हूँ। इनकी मिट्टी में मैंने एक हिस्सा मिट्टी डाली है, एक हिस्सा उसमें जो रिवर्स सैंड आती है वो डाली है, एक हिस्सा इसमें मैंने कोकोपीट डाली है क्योंकि अब गर्मी आ रही है। एक तो बल्ब्स हैं, इनको थोड़ी हल्की मिट्टी चाहिए, मतलब जिसमें एयर स्पेस हो ऐसी चाहिए, एरिएशन वाली अच्छी वेल एरिएटेड चाहिए, और दूसरा इनको जो है वो सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा ठंडा रहना, मतलब पानी ज़्यादा बार बार ना देना पड़े। कभी आप एक आधी बार पानी भूल भी गए तो मिट्टी में अगर कोकोपीट होगा तो वो मॉइस्चर को ट्रैप करके रखेगा। और एक हिस्सा इसमें मैंने डाला है खाद, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और इस गमले में देखिए, ये जो इस तरह का गमला है इसमें मैंने एक से दो मुट्ठी तक वो भी डाल दिए है, बोन मिल भी डाल दिया। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप उसमें एक मुट्ठी के करीब बोन मिल डाल सकते हैं। और बोन मिल आप सारी मिट्टी में मिक्स नहीं करके ऊपर की जो इतनी इतनी मिट्टी होती है 1.5-2 इंच की, उसमें मिक्स कर दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो बना ली, और फिर इसमें फंजीसाइड जरूर मिलाना है क्योंकि जो बल्ब्स होते हैं इनमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है। तो आप मिट्टी में ही ऊपर की 2 इंच की लेयर में पहले तो आप पॉटिंग मिक्स में मिला लें 1 चम्मच फंजीसाइड, और उसके बाद आप ऊपर की जो 2-2 इंच की मिट्टी, और मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप फंजीसाइड यूज़ करना बंद करें, आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करना शुरू करें। मैंने ट्राइकोडर्मा यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब ट्राइकोडर्मा भी फंजीसाइड जैसा पाउडर ही आता है, लेकिन उसका क्या होता है कि वो केमिकल फंजीसाइड नहीं है, वो एक बायो फंजीसाइड है, वो एक यूजफुल फंगस है। और वो हम एक बार डाल देते हैं ना पौधे में तो वो क्या होता है कि ग्रो करता रहता है। फंजीसाइड का क्या होता है, आपने एक बार डाला उस 10 दिन में उसका असर खत्म हो गया है ना। तो वो जो है वो ये क्या है कि ये ग्रो करता रहता है, फंगस के वो होते हैं बीज होते हैं तो ये आगे से आगे ग्रो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसको भी हमें 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि इनकी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है वो 1-1.5 महीने बाद 1 लीटर पानी में या 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच आप ट्राइकोडर्मा भिगो दें। ट्राइकोडर्मा पे मेरा पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और बस इसको यूं ही रैंडमली देखिए ऐसे छेद कीजिए और लगा दीजिए। अब मैंने इनके कलर्स अलग अलग के हिसाब से नहीं रखे थे क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब मैं विंटर गार्डन लगाना शुरू करती हूँ ना तो बस मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है कि मुझे विंटर गार्डन लगाना है, और बस फिर मेरे को कुछ नहीं सूझता। तो फिर मैं इस टाइम इतना ध्यान व्यान लग के रखती नहीं हूँ, बस ऐसे रैंडमली कोई पास लग गया कोई दूर, ऐसे लगाते जाइए आप इनको बल्ब्स को ऐसे, और ये फिर बाद में फैल जाएंगे और पूरा भर जाएगा ये बल्ब से भी। तो ट्राइकोडर्मा जो है वो आप 1-1.5 महीने बाद फिर से जैसे ऐसा सोल्यूशन बना के वो पौधों में डाल दें तो वो फिर से जो उनकी कम हुई हुई जो होती है जो तो वो फिर से दोबारा से उग जाती हैं। तो देखिए ऐसे ही बस लगाते जाना है, आप देख रहे होंगे मैं रेंडमली ऐसे लगाती जा रही हूँ, और ऐसे ही आपको ये लगा देने हैं। अगर आपके पास अलग अलग रंग के हैं तो फिर आप उनको अलग अलग, चलिए दिया कह रही है आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो, बिल्कुल प्रॉपरली बताओ। तो चलिए फिर अब मैं आपको प्रॉपरली बिल्कुल बता देती हूँ ऐसे, चलिए आपको नीट लगे देखने में। अभी ऐसे ऐसे लग रहा था कि कैसे लगा रही हैं, तो चलिए ये देखिए। अब ये बल्ब लिया, ये इसमें प्लेस कर दिया मैंने, पहले उंगली से ये होल्ड किए हैं, फिर ये बल्ब लिया और इसका ये पॉइंटेड हिस्सा जो है ना इसको ऊपर रखा, ये जड़ें नीचे हैं और इस होल में इसको प्लेस कर दिया।
और इसकी जो चोंच है हल्की सी लेवल पे रह गई, ये काली काली है ना इसलिए आपको दिखती नहीं है ये चोंच, इसकी चोंचें भी काली काली हैं। ये देखिए ये ऊपर रखी, ये नीचे रखा, ये देखिए प्याज नहीं होता जैसे सेम है, ये नीचे देखिए इसकी रूट्स हैं और ये ऊपर इसका यहाँ से निकलेंगी पत्तियाँ। तो ये इसका देखिए बेबी बल्ब भी निकल रहा है साथ में, तो हमें इसको साथ में लगा देना है। ये देखिए और इसको देखिए ये होल किया हुआ है, ऐसे बिठा देना है, बस इस तरह से बिठाना है कि चोंच थोड़ी सी सरफेस पे रह जाए, गड्ढा इतना ही गहरा करना है आपको कि चोंच सरफेस पे रह जाए। ये देखिए मैं इसको ऐसे भी कर लेती हूँ, देखिए मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, तो अब इसको ऐसे भी उंगली से यूं इन दोनों से होल करती जाती हूँ और ऐसे प्लेस कर देती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये लिया मैंने, ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे इसमें होल करके ऐसे भी प्लेस कर देती हूँ। ये देखिए उसमें क्या है, उतना होल करूँगी कि ये सरफेस पे रहे। और इस तरह से इसको मैं लगाती चली जाऊंगी। और ये क्या होते हैं, धीरे 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 फैल जाएंगे और इस सारे गमले को ये भर लेंगे। और मैं लाई थी तब तो अलग अलग रंग के ऐसे लाई थी, फिर जब मैंने बल्ब को सेव किया तो मैंने अलग अलग रंगों के हिसाब से नहीं किया, ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। ये देखिए छोटे 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 कई बल्ब्स हैं मेरे पास, और लाते हैं तो ये पता है महंगे मिलते हैं, 5-5 रुपए का एक बल्ब ऐसे मिलता है हमारे यहाँ, तो अब तो ये ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए ये आपको जो फाइबर से दिख रहे हैं ये कोकोपीट के दिख रहे हैं। तो ये देखिए अब मैंने लगा दिया, और मिट्टी मेरी ऑलरेडी देखिए कितनी गीली है, इसलिए मैंने इसको अभी और गीला नहीं किया, अब मैं इसमें और पानी नहीं दूंगी, ऑलरेडी मैंने पहले पानी दे दिया था, जो कोकोपीट मैंने मिलाई थी वो ऑलरेडी गीली थी, तो इसकी मिट्टी अच्छी तरह से गीली है। और अभी आपको ये ब्राउन ब्राउन से देखिए ऊपर ऐसे ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, ये भी दिख रहा है बल्ब का, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भी है हिस्सा तो भी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे लगा दीजिए। और पानी इसको अभी कम दें, ज़्यादा पानी नहीं दें, जब इनमें स्प्राउट वगैरह, अभी मैंने पानी दे दिया ना, अब इसको 2 दिन पानी नहीं दूंगी, बिल्कुल ड्राई होगा तब दूंगी। और भी अच्छी चीज़ ये है कि देखिए ये वाली जो होती है इनके, ये वाली जो लंबे वाले हैं इनके नीचे ऐसी ट्रे है, तो ट्रे में भी डाल सकती हूँ मैं पानी, अगर जब तक ये थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ लेंगे ना, इतने इतने बड़े अच्छी तरह हो जाएंगे, जब थोड़ी स्प्राउट आने लग जाएंगे फिर पानी देंगे इनको हम। बल्ब्स में ये प्रॉब्लम रहती है, अगर आप बिना स्प्राउटिंग के ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फिर बल्ब जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गई, आप इसमें थोड़ा DAP भी डाल सकते हैं, जैसे ऊपर ऊपर की 2 इंच की मिट्टी होती है ना, उसमें आप गमले के थोड़ा सा DAP के 10-15-20 दाने जो हैं वो भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे ये इतना बड़ा है लंबा गमला है तो इसमें 1 चाय का चम्मच यूँ अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, अगर 12 इंच का गमला है तो 1/2 चम्मच अच्छी तरह ऊपर की 2-2 इंच की मिट्टी में मिला दें, वो जड़ें बनने में हेल्प करता है पौधे के, और क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी होता है DAP में, तो थोड़ा सा नई नई जो लीव्स आती हैं उनको भी जल्दी निकालने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स फिर इसमें हर महीने में एक बार आप ट्राइकोडर्मा का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दिया करें तो आपके बल्ब में कभी कोई फंगस नहीं लगेगी और भी कोई सॉइल की डिजीज़ नहीं होगी, तो आपका ये बल्ब्स जो है वो हेल्दी ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। तो चलिए आज आपको ये भी दिखा देते हैं मेरे गार्डन का पहला अडेनियम का फ्लावर। अब अडेनियम का मौसम आने वाला है तो देखिए पहला फ्लावर खिला है मेरे गार्डन में, समर सीज़न की शुरुआत तो नहीं कह सकते, हाँ शुरुआत ही कहेंगे, अभी गर्मी होनी शुरू हो गई है, वो बात अलग है कि आजकल पता नहीं बारिश वारिश आने लग गई है, तो देखिए कैसे घने बादल खिले हुए हैं।
आए हुए हैं, घिरे हुए हैं, सॉरी खिले हुए नहीं है। जयपुर में कल कई जगहों पे तो ओले वगैरह भी गिरे हैं, मुझे डर लग रहा है, और हमारे एरिया में नहीं है। तो देखिए पहला फ्लावर कितना क्यूट है, पिंक कलर का फ्लावर खिला है, आप लोगों के आप लोगों को क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है समर सीजन के लिए। तो देखिए एक और चीज़ देखिए, ये वाला प्लांट कैसा लग रहा है, जैसे कोई एनिमल बैठा हुआ है। ये देखिए इसका मोटा हाथ, ये इसका पतला हाथ, और ये टम्मी मोटा सा इसका, और यहाँ पे ये इसमें मैं सोचती हूँ छोटे से आँख नाक वगैरह बना दूंगी, और ये दो सींग निकले हुए हैं सिर पे, और उसमें फ्लावर खिल रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है ना कुछ, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। और पीछे एक पूंछ सी भी है इस एनिमल की, देख पीछे की तरफ एक पूंछ भी है, ये देखिए ये पूंछ भी है एनिमल की, ये देखिए ये तो पूरा एनिमल हो गया है। मैं इसके आँख नाक बना दूंगी अभी स्केच पेन से या किसी मार्कर से। तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय।